हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको करना है इवेलुएट, ठीक है। तो मैंने पहला यहाँ पर लिख लिया है, चलिए सॉल्व करते हैं। एक बार ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सॉल्व करते समय आप यहाँ देखेंगे 36 और 384, ये दोनों के दोनों जो हैं परफेक्ट क्यूब नहीं हैं, तो आप अलग अलग क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक में मर्ज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो पहले लिख लेंगे वी हैव क्यूब रूट ऑफ 36 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 384। तो इसको हम पहले लिख लेंगे इस तरीके से, क्यूब रूट ऑफ, दोनों को एक में मर्ज कर लेंगे, मीन्स 36 मल्टीप्लाइड बाई 384। ऐसा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, सिंस हम जानते हैं क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाता है क्यूब रूट ऑफ ए बी, ठीक है। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन डू दिस वन। अब करेंगे क्या, यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे 36 एंड 384 को और देखेंगे कि किसके किसके ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। तो 36 को फैक्टराइज करना बहुत आसान है, आप जो है लिख सकते हैं इसको 6 into 6, ओके। तो यहाँ पर 2 into 3 भी कर सकते थे आप, लेकिन 6 into 6 ठीक रहेगा, कोई बात नहीं है। 384 को आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, लेट अस फैक्ट, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बन चुका है 6 का ट्रिपलेट और यहाँ 2 का और यहाँ 2 का, तो हम यहाँ पर क्यूब रूट से बाहर कर सकते हैं। तो लिख लेंगे 6 into 2 into 2, मीन्स 6 4 जा 24 इज योर आंसर। तो इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा एक में, ताकि इनके कुछ फैक्टर्स और इनके कुछ फैक्टर्स मिल करके ट्रिपलेट बना लें, ताकि हम इसको फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर हम दोनों को मर्ज कर लेंगे यूजिंग अ प्रॉपर्टी 96 मल्टीप्लाइड बाई 144, ओके। तो यहाँ पर हम फैक्टराइज यदि करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 96 का हम यदि फैक्टराइज करें करते प्राइम फैक्टर्स मिलेगा आपको, और ये हमारा हो गया 96 का। 144 को यदि आपको फैक्टराइज करना है, तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है 12 से, 12 जो होता है 144, तो 12 को हम जानते हैं कि 2 जो है 4 टाइम्स आएगा, यहाँ लिख लेते हैं 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। उसके बाद 3 जो है 2 टाइम्स, ओके। तो हमारा ये हो गया है 144। तो अब यहाँ देखते हैं कि ट्रिपलेट बन रहा है या नहीं बन रहा। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर 2 का बन चुका है ये, और इन दोनों को मिलाकर, मीन्स यदि हम इसको डिफरेंट कलर में करें, इन दोनों को मिलाकर और एक ये आप 2 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो 1 रेड और ये 3 is 2, और एक साथ जो है आपका ये है ही। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर मतलब ट्रिपलेट बन चुका है। तो अब यहाँ पर आप उतार सकते हैं, ये 2 हो गया और ये जो ग्रीन वाला कलर यहाँ 3, ये वाला 2 पहले नहीं आ रही है, तो इसको 3 यहाँ पे हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो इस सेकंड में भी आपका आंसर जो है 24 आ रहा है, फर्स्ट में भी आपका आंसर जो है 24 आया था। चलिए थर्ड करते हैं, ओके। पार्ट 3, क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 100 एंड क्यूब रूट ऑफ 270, इन दोनों को पहले हम मर्ज कर लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाई 270, ओके। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 100 को सकते हैं 10 into 10, ठीक है। लेकिन ये वाला जो 0 है, इसको हम इसमें से यदि निकाल लें 270 में से, तो यहाँ मिलेगा आपको 10, केवल बचा यहाँ पर 27 को आप फैक्टराइज कर लेंगे, तो मिलेगा आपको 3 into 3, ओके। अब यहाँ पर क्यूब रूट से बाहर आप कर लेंगे, तो यह 10 निकलेगा और यहाँ पर 3 निकलेगा, मीन्स 3 into 10 आपका आंसर आ जाएगा 30, ओके। तो लास्ट वन आपका है यहाँ पर
सबसे पहले हम इनको मर्ज कर लेंगे एक ही में, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 121 मल्टीप्लाइड बाई 297। यहाँ पर आप क्या करोगे कि फैक्टराइज कर लोगे आप सबका, तो 121 का हो जाता है 11 इंटू 11 इंटू 297 के, यदि आप फैक्टराइज करोगे तो मिलेगा आपको 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो बिल्कुल 11 का यहाँ पर ट्रिपलेट बन चुका है और 3 का भी बन चुका है, आप बाहर निकाल सकते हैं। तो 11 इंटू 3 33 मीन्स 33 इज योर आंसर हियर इन दिस पार्ट। यदि आपको समझ में आ गया और कोई भी डाउट नहीं है तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको वीडियोज़ जो है नोटिफिकेशन के जरिए भेजा जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।